हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी टी टी एंड टी टी प्रिपरेशन में। और आज की इस वीडियो में मैं क्लास 4 के EVS के चैप्टर 18 को एक्सप्लेन करूंगी। चैप्टर 18 है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। चैप्टर 1 to 17 को मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आइए देखते हैं, ये आंध्र प्रदेश का कहानी है। स्टोरी के माध्यम से बताया गया है प्यास कैसे बुझाए। नल्ला मडा आंध्र प्रदेश। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नल्ला मडा कहाँ पे है। इस तरह के क्वेश्चन CET एग्जाम में आते हैं। आप लोग भी अगर देते होइएगा तो आप लोग को पता होगा, नहीं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते होइएगा तो इस तरह के क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। तो यहाँ देखिए, नल्ला मडा आंध्र प्रदेश में है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। शगुना किताब पढ़ रही थी कि तभी किसी के आने की आवाज़ आई। देखा शहर से कोई मेहमान आए हैं। अप्पा ने उन्हें बिठाया और सेलवा से कहा कि उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। मेहमान बोले, कोल्ड ड्रिंक तो मैं नहीं पीता, बस एक गिलास पानी दे दीजिए। अप्पा बोले, हमारे यहाँ आजकल पानी ठीक से नहीं आ रहा है, दिखने में भी साफ नहीं है। आप यह पानी नहीं पिए तो अच्छा है, हमारी तो मजबूरी है, हमें तो पीना ही पड़ता है। अब बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। पानी के खेल। बाजार गांव महाराष्ट्र। ये बाजार गांव महाराष्ट्र का है। बाजार गांव के पास ही एक बड़ा सा वाटर पार्क था। एक दिन रोहन और रीना अपने मम्मी पापा के साथ वहां गए। वहां बड़े बड़े फव्वारे चल रहे थे। तभी रीना बोल रही थी, अरे रोहन देखो, यहां तरह तरह के पानी हैं, झूले हैं, और वहां देखो कितने बड़े बड़े तालाब। रोहन बोला, छपाक छपाक। दोनों ने पीछे देखा, जूम जूम जूम, बड़ी सी फिसल पट्टी पर से तेज़ी से फिसलते हुए बच्चे छपाक करके पानी में गिर रहे थे। रोहन एक बड़े से झूले में घुस गया और बस एक सेकंड में बहुत ऊंचाई से नीचे पानी में जा पहुंचा। रीना की तो चीख ही निकल गई। तभी पार्क से बाहर से शोरगुल और ज़ोर ज़ोर चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सब बड़े गेट की तरफ भागे। वहां खाली बाल्टी और घड़े लिए हुए बहुत सारे लोग खड़े थे। एक छोटा सा बच्चा खाली बोतल पकड़े अपनी माँ के साथ चिपक कर खड़ा था। रोहन मम्मी ने उस भीड़ में से एक औरत से पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? वह औरत तमतमा कर बोली, भाई तुम पूछती हो क्या हो रहा है, हमारे कुएं सूखे पड़े हैं। हफ्ते में एक बार पानी के का टैंकर आता है, पीने के पानी का टैंकर आता है, आज तो वह भी नहीं आया, और यहाँ इतना सारा पानी तुम लोगों के खेल के लिए, बोलो हम क्या करें, क्या इसे पी सकते हैं? कफ फडेर मुंबई। देखिए, एक कफ परेड मुंबई, ठीक है, यहाँ का है। लिफ्ट रुकी 26 मंजिल पर, बड़ा मज़ा आता है दीपक को लिफ्ट में। आज स्कूल की छुट्टी है इसलिए वह माँ के साथ रजिया मेम साहब के यहाँ आई है। यहाँ तो सब कुछ चकाचक ठंडा और शांत लगता है। रजिया अखबार पढ़ रही थी। दीपक को देखा तो हंसकर पूछा, क्यों आज छुट्टी है क्या? मेम साहब ने टीवी चला दिया और दीपक कार्टून की दुनिया में खो गया। इतने में रजिया की आवाज़ आई, अरे पुष्पा, अखबार में खबर है कि इस इलाके में पीने का पानी वाले पाइप में गटर का पानी मिल गया था। लिखा है इस गंदे पानी के कारण बहुत लोग दस्तर है, जैसे बीमार है। कल का भरा हुआ पानी फेंक दो और पीने के लिए कुछ पतीले पानी उबाल लो, और हाँ अपने घर के लिए भी उबला हुआ पानी ले जाओ। देखिए, उबला हुआ पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, इसलिए पानी को उबाल कर, अगर दस्त है जो ये सब का शिकायत होता है तो लोग पानी उबाल कर पीने की सलाह इसीलिए देते हैं। दीपक खुश हुआ कि चलो आज घंटा भर लाइन में खड़े होने से छुट्टी मिली। अब बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चन है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वयं चर्चा करो। पिछले एक महीने में अलग अलग अखबारों में पानी से जुड़ी जो खबरें आई है उसे इकट्ठा करो और इन खबरों के बड़े कागज पर चिपकाओ और इस पर चर्चा करो। क्या तुम्हें कभी दस्त लगे हैं, उल्टियां हुई है? अब तब क्या हुआ था जब दस्त लगते थे या उल्टियां हुई थी? तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। दस्त उल्टियां में जब होती है तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है और यह शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। जब तक दस्त उल्टी हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक मिला ले, ठीक है। आओ नमक शक्कर के घोल को बनाए, एक गिलास पीने का पानी उबाल कर ठंडा करो। अब देखिए,
शक्कर और नमक का घोल कैसे बनाया जाता है इसका विधि यहाँ पे दिया हुआ है। एक गिलास पीने के पानी उबालकर ठंडा कर लो, इसमें एक छोटा चम्मच शक्कर घोलो और चुटकी भर नमक डालो। इस घोल को चख कर देखो, इसका स्वाद हमारे आंसुओं के स्वाद से ज़्यादा नमकीन ना हो। बीमार व्यक्ति को जब भी दस्त या उल्टी हो तब इस घोल को पिलाते रहो, और जब भी किसी को दस्त या उल्टी होता है तो इस घोल को पिलाते रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में हल्का भोजन ज़रूर लेते रहना चाहिए और भोजन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग दस्त उल्टी होती है तो भोजन बिल्कुल छोड़ देते हैं, जो उल्टी की डर से कि फिर से उल्टी हो जाएगी, लेकिन हल्का भोजन ज़रूर लेते रहना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए, और बीमारी रोकने के लिए दवाई जो भी घरेलू भी हो सकती है लेनी चाहिए। अगर उल्टी और दस्त न रुके तो डॉक्टर से सलाह लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सब क्वेश्चन है बच्चों के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे शिक्षक संकेत है। ठीक है, इस संकेत को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों को सर्वे करने के लिए कहा जा रहा है, दस्त उल्टी उल्टी एवं उल्टी व दस्त के साथ पेशाब में पीला पर बुखार, शरीर में पीला पर पेट दर्द, कि अपनी कक्षा में बच्चों से पता करो कि नीचे दी गई तालिका को पूरी करो, ये पता करने के लिए कह रहा है। तो ये हम लोगों के लिए नहीं है, हम लोग तो इसको CET/ET की तैयारी को लेकर पढ़ रहे हैं। अध्यापक के लिए संकेत देखते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है CET/ET एग्जाम के लिए। यहाँ केवल उन लक्षणों की बात की गई है जिन्हें बच्चे पहचानते हैं, अगर ऐसा हैजे के कारण हुआ है तो बीमारी के बारे में चर्चा करें और आसपास कौन सी बीमारियां हैं। जरूरी नहीं कि सभी बच्चे इन बीमारी के नाम जानते हो। अब देखिए, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। बच्चों ने उठाया पहला कदम, कर्नाटक के होलगुंडी गांव में, देखिए कर्नाटक में है गांव जो जिसका नाम है होलगुंडी। गाँव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी, बारिश के दिनों में कुओं से में पानी रहता था, पिछले दिन 3 सालों में बारिश की कमी से वहाँ सुखाड़ पड़ गया, पानी था ही नहीं, न खेती के लिए, न पीने के लिए, न ही जानवरों के लिए। हार मानकर लोग मजदूरी करने शहर जाने लगे, बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा। गाँव के पंचायत परेशान थी, सब लोगों ने इसके बारे में बात की। इस गाँव की पंचायत की एक बहुत खास बात है कि इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी, बच्चों की इस पंचायत का नाम है भीमा संघ, और बच्चों का भी पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं, और बच्चों के इस पंचायत का नाम था भीमा संघ। ठीक है, और बच्चों ने बड़ों से पूछा कि क्या हमारे यहाँ हमारे हमेशा से ही पानी की दिक्कत रही है। कुछ बड़े लोगों ने उन्हें बताया कि पहले ऐसा नहीं था, पहाड़ी के ऊपर टंकी थी जिसमें बारिश का पानी भरा रहता था, उसमें मछलियाँ भी होती थी और आसपास बहुत हरा भरा रहता था, तब तो गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी रहता था। भीमा संघ ने सोचा कि पहले उस टंकी को देखेंगे। देखा तो पता चला कि टंकी कीचड़ पत्थर से भरी है, उसमें पानी कहाँ से भरता, उसकी दीवारों में भी दरारें थी, फिर पानी कैसे टिकता, आसपास न कोई पौधा था न घास, फिर कैसे होती हरियाली। बच्चों ने गांव के बड़ों से टंकी को साफ करने की और उसके आसपास के जगहों को फिर से हरा बनाने की बात की। पानी की समस्या का हल न केवल उसी साल बल्कि हमेशा के लिए ढूंढना था, नई योजना बनाई। यहाँ देखिए, अध्यापक के लिए बच्चों को भारत के नक्शे में कर्नाटक ढूंढने के लिए कहे, हमेशा के लिए यह समझना भी जरूरी था कि पानी पहले से कम क्यों हो रहा है, सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं है। इस बातों को ठीक से समझने के लिए पंचायत ने शहर के कुछ लोगों की मदद भी ली। ये लोग पानी के रखरखाव के बारे में जानते थे, सबने मिलकर योजना बनाई और एक साथ काम किया। टंकी एक पहाड़ी पर थी, टंकी में ठहरने के बजाय पानी नीचे बह जाता और पानी के साथ ही मिट्टी भी बह जाती। उन्होंने सबसे पहले टंकी को साफ किया, फिर उसकी दीवारों की दरारों को भरकर उसे मजबूत बनाया, आसपास नए छायादार पेड़ लगाए और पुराने पेड़ों को पानी भी दिया, घास भी लगाई और बच्चों ने ढलान पर जगह जगह बांध बनाए, और फिर किया उसने बारिश का इंतजार। बारिश आई और टंकी पहले की तरह पानी से भर गई, उन्होंने उसमें कुछ मछलियाँ भी छोड़ी। वहाँ बच्चे वहाँ की रखवाली करने लगे ताकि कोई मछली ना चुरा सके और पेड़ पौधे ना तोड़े, उन्हें मेहनत का फल मिला। 2-3 साल में ही टंकी फिर से पानी से लबालब भर गई और उसमें पूरे साल पानी रहता था। आसपास का इलाका भी घास और पेड़ पौधों से हरा भरा हो गया और धीरे धीरे गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी भरने लगा। भीमा संघ के इस कामयाब कोशिश से अब गर्मियों में भी किसी को गांव नहीं छोड़ना पड़ता, और यह सब कर दिखाया तुम्हारे उम्र के बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, भीमा संघ के बच्चों ने। वे बच्चे अब बड़े हो गए हैं पर भीमा संघ आज भी उसमें नए नए बच्चे जुड़ते हैं और काम करते हैं। यहाँ पर चैप्टर हमारा समाप्त।
प्राप्त होता है। आगे के वीडियोस में मैं बचे हुए चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब सॉरी लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।